मेरे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेबी व्लॉग और आज हम आए हुए हैं आउटडोर फोटोशूट पे, तो वो भी इसके भी सीन आपको दिखाते हैं। कराची का मौसम बहुत ज़्यादा टाइट था तो इसकी वजह से हमने सोचा कि थोड़ी फोटोशूट हो जाए आउटडोर। और रात को हल्की हल्की बारिश भी हुई थी और अभी हवा भी चल रही है इतनी तेज़, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी आउटडोर फोटोशूट कर रहे हैं, तो अभी मैं जिसके साथ कर रहा हूँ उन लोगों से भी मिलवाऊँगा आपको, तो अभी आप देखें। तो आप जाके पहले सिनेमैटिक्स थोड़े से चेक करें जो मैंने लिए हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करवाते हैं उन लोगों की। कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं है, कौन सा इलाका जिधर अपना इंतजाम नहीं है, बी हु यू आर वरना सभी एक जैसे हैं, सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। रियल टॉक, सड़कों पे काटी रातें चाय पापे, अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे, असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे नाके, नुक्स ढूंढे मुझ में आके, पॉलिटिक्स करें फिर जाके, क्योंकि ये रियल है। मैं देसियों के वेस्ट भी, ऑर्गेनिक हो के बेस्ट भी, वो ढूंढे मेरी रेसिपी। अपने पैरों पे खड़ा, किसी भी लेबल का सहारा नहीं, कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ झंडा अपना गाढ़ा नहीं, फिर लियारी हो या बॉस्टन, के माड़ी हो या ऑस्टिन। हाँ भाई, मैं अभी खींचूंगा तस्वीरें, तो मेरे दोस्त मेरे पे हंस रहे हैं क्योंकि मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ये भैया DSLR है, हमारे पास भी होगा कभी, अपना टाइम भी आएगा और ये DSLR अपने पास भी होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह तस्वीर खींचते हैं। पहले आपने ये DSLR लेना है। चलो ये ज़्यादा हो गया, आप जाके फिर सिनेमैटिक चेक करें, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये सोचे शॉर्ट रन, मैं सोचू लॉन्ग रन, वन इन अ बिलियन, मेरा कोई मुकाबला नहीं, तुम आज बने मेरा 10 साल से राज यहीं। चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग चढ़ी गैंग, पहनते हम रोज रोज चढ़ी मैन, सुनते ना किसी की भी कभी मैन, सड़कें गवाही देंगी इतनी अपनी असल हसल, और वो कहते बना तू जानी मसल वसल, मैं हंसता इन पे क्योंकि ये सब रियल है, तू फील है मलंग मिजाज और लिबास भी, सुनता सबकी करता अपनी भरी है सादगी, जिसने बनाया सिर्फ वो ही मेरा जज भी, डोंट जज मी, मैं जैसे यहाँ का स्नूप DOGG। तैमूर भाई और ये है फैजान भाई, तो अभी हम अपने लोकेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हमने फ़ोटो शूट कर लिया है, तो अभी हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं भाई। अभी हम दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, तो अभी हम सामान रख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी फिर दोबारा से फ़ोटो शूट हम स्टार्ट करेंगे। तो तैमूर साहब बैठे हुए घास के पास और पोजिंग चल रही है, और फैजान साहब क्लिकिंग कर रहे हैं, और क्लिक कर रहे हैं तस्वीरों को। तो तो अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, फिर भी पसीने आ रहे हैं क्योंकि इतना काम कर रहे हैं हम लोग, और अभी फ़ोटोशूट चल रही है, लेकिन अच्छी आ रही है, तस्वीरें अच्छी आ रही हैं, क्लिक भी अच्छी आ रही है। तो ये सब मैं अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, तो अगर आपने देखनी हो तो मैं नीचे यूज़र नेम डाल दूँगा, आप जाके देख लें। अभी हम शूट कर रहे थे तो एक भाई आके कहते कि हमारी तस्वीर भी लो, तो इंसान की मदद करनी चाहिए, भले कैमरे की हो या जिस तरह की हो, इंसान की मदद करनी चाहिए। तो हमने भी मदद कर दी भाई की, और भाई अभी पोज मार के फुल तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो अभी मैं आपको भाई भी दिखाता हूँ। भाई देखें पूरे पोज मार के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ये दूसरे भाई हैं। भाई आपका क्या नाम है? और पिछले व्लॉग में आपने तकरीबन मेरी हर व्लॉग देखते होंगे, जो मेरा हर व्लॉग देखता होगा उन लोगों ने देखा होगा कि भाई हम बाई फोर आते थे तो घास बिल्कुल हरी होती थी, उसके बाद सूख गई, अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और ये देखे पीछे के साथ लाइट बैकग्राउंड है और इस पर हम तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अभी हम खिंचवाई जा रहे हैं जितनी खींच सकते हैं। अभी हमारा जो फ़ोटो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये भाई हैं, मेरे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना यार, मैंने आपसे बात करनी है क्योंकि मैंने इसी साल के अंदर 1000 कंप्लीट करने हैं और अभी हम 300 भाई अटके हुए हैं। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और जितने अपने दोस्त से फैला दो सब लोगों को, और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमारे एक भाई हैं जो हर वीडियो के नीचे कमेंट में मैसेज करते हैं कि मुझे शॉर्ट आउट दो, वो टिकटॉकर हैं, तो यूज़र नेम है वो डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लो। जितने भी चीर फाड़ आर्टिस्ट हुए थे ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़ बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े, बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी।